ख्वाहिशें बेलगाम होती हैं, मुंह जोर और बिफरी हुई, ये जिन दिलों में घोंसले बना ले, वो अच्छे बुरे सही गलत की बहस से बेपरवाह होकर जिंदगी की शाहराह पर दौड़ते चले जाते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन ख्वाहिशों का अफरीत फिर इन्हें एक चाबुक रसीद करता है और अपने बताए हुए रास्ते पर हांक देता है। हाजी साहेब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस पाक जात का। आप बताइए क्या खाएं पिएंगे? ऐसा कीजिए कि 6 पूड़ियां और चने जरा ज्यादा दे दीजिए। हाजी साहब, हलवा प्योर देसी घी का बना हुआ है, वो नहीं लेंगे? ऐसी चीजें हम जैसे सफेद पोश लोगों की कुव्वत खरीद से अब बाहर हो चुकी है। पैसों की फिक्र आप क्यों करते हैं? मैं भला आपसे पैसे लेता हूँ, अच्छा लगता हूँ। और वैसे भी आप चंद खानदानी लोगों में से रह गए हैं इस मोहल्ले में, जिनकी वजह से इस मोहल्ले की रौनक बनी हुई है। देखो भाई, अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं ये चीजें नहीं लेके जाऊँ। हाजी साहब, हाँ, आपकी बच्चियां मेरी बेटियों की तरह हैं, मेरी तरफ से ले जाइए उनके लिए। नहीं नहीं, ये पैसे रखिए आप, फिर सही, फिर आऊंगा, हलवा भी खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा और पैसे नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं हाजी साहब? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन एक वादा करें जी, दोबारा चक्कर जल्दी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, बशर्ते जिंदगी। हाजी साहब को 400 रुपए बाकी दे दो। बशीर, ले आओ हाजी साहब का सामान। दानियाल आ रहा है हमारा। अरे मेरा बेटा आ रहा है। वालेकुम सलाम जी। जी बेटा, किचन में ले। ठीक है। अरे वाह, आज तो इतनी देर कर दिया आपने आने में। भाई वो मैं जरा वहां हलवाई की दुकान पर रुक गया था। क्यों? तुम्हें तो पता है कि बच्चियों को हलवा पूरी बहुत पसंद है, सो मैंने कहा लेता ही जाऊं। हाजी साहब, क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की, पहले कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। नसरीन बेगम, हमारे हालात कोई इतने बुरे भी नहीं है। बस कर दें आप, महीने की 15 तारीख आने से पहले राशन खत्म हो जाता है और आप कहते हैं कि गुजारा हो रहा है। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मेहरू कहाँ है? सो रही है। अभी तक सो रही है वो?
मेहरू, पूरे घर में ढूंढा, तुम यहाँ पर हो। उठो मेहरू, उठो, देखो दिन चढ़ गया है। मेहरू उठो, उठो। यार उठने तो दो, ठीक से। पूरे घर में ढूंढ, तुम यहाँ सो रही हो। हाँ तो गर्मी लग रही थी रात को, इसलिए ऊपर आ गई। तुमने बड़ा मेरे लिए एयर कंडीशन कमरा बनाया हुआ है। इतनी देर हो गई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से तुम्हें उठा रही हूँ, तुम मुझे पहले उठाने नहीं आ सकती थी? तो मैं इतनी देर से उठा रही हूँ और तुम मुझे उठने का नाम नहीं ले रही। ओ, सुबह सुबह झूठ, तुम मुझे पहले कब उठाने आई हो? अच्छा मेरी माँ, तुम जीती मैं हारी, बस अब जल्दी नीचे चलो। अब बात तुम्हारे लिए हलवा पूरी का नाश्ता लाए। नहीं तो मैंने कब फरमाइश की थी कि मेरे लिए देसी घी की हलवा पूरी लाएं? मैं इतनी ऑयली चीजें नहीं खा सकती, मेरी सारी डाइट का सत्यानाश हो जाएगा। आई कांट अफोर्ड इट। हाँ तो ये आप ही के लाड प्यार का नतीजा है ना, वो किसी की सुनती है ना किसी से कोई बात पूछती। अच्छा अब सुबह सुबह उसके पीछे मत पड़ जाना। मुझे क्या जरूरत पड़ी पीछे पड़ने की, लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं कि बेटियां पराया धन है, उसने कल को अपने ससुराल जाना है, इतने नाज नखरे कौन उठाएगा उसके? कल की कल देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। मेरी तो यहाँ पे ना कोई सुनता ही नहीं है, समझ आ रही है? अपनी सारी कमाई इसी कामों में ना गर्क करते हैं आप, हद हो गई। मेहरू, अब्बा इतने प्यार से तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए, उनको बुरा लगेगा। भाई क्यों लगेगा बुरा, और वैसे भी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपनी पसंद नापसंद का पूरा हक है मुझे। लेकिन मेहरू, दुआ यार मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अब मुझे तैयार होने तो बस, और मुझे बेड्टी तो ला दो। तुम्हें पता तो है बेड्टी के बगैर मुझे बिस्तर से निकलना अच्छा नहीं लगता ना। लेकर आती हूँ। और एक बात सुन लो, अब्बा के सामने अपनी पसंद नापसंद का इजहार मत करना, किसी का दिल रखने से ना कोई बुराई नहीं हो जाती। बस तुम मुझे हर वक्त ना लेक्चर ही देती रहा करो। हाँ, जरूर मिल जाती हो। वो अजीजा नहीं जो रिश्ते करवाती है, कह रही थी कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, वो उनको साथ लेके आना चाह रही थी हमारे घर। तो तुमने क्या कहा? मैं भला कुछ कह सकती हूँ आपके पूछे बगैर? आपकी इजाजत मेरे लिए बहुत जरूरी है, जानते हैं आप। खामोश क्यों हैं? कुछ तो कहें। बुला लो उसे। कैसे बुला लूं आजी साहब, महीने की आखिरी तारीख जा रही, घर में राशन भी ख़त्म है। भाई ऐसे मेहमानों की खातर तवाज़ा तो करनी पड़ती है ना। तुम फिक्र ना करो, मैं कोई इंतज़ाम कर लूँगा, और वैसे भी मेहमान तो खुदा की रहमत हो। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत तो है, आज कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं शायद? वो बेटा ऐसा है कि मेहमान नहीं आ रहे, नाश्ता करो, तुम्हारे लिए आई हैं पूड़ियाँ, ठंडी हो रही हैं। बेटा चलो चलो, तुम्हारी पसंद का नाश्ता है। हाँ मगर अब्बा मैं तो ये खा ही नहीं सकती। क्यों बेटा, आपकी दाढ़ निकल रही है। अब्बा मेहरू का पेट खराब है। हाँ। ओहो, तो कोई दवा वगैरह दी बहन को? हाँ बस दिए, तभी तो खड़ी आपके सामने। जी अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ऐसा है फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे तो देर हो रही है, आप लोग नाश्ता वाश्ता कर लीजिएगा। हाँ आपको तो देर होगी, अब सुकून आ गया ना, जाया कर दिए ना ये सारे पैसे। तुम्हारी अम्मी गुस्से में ज्यादा प्यारी लगती है। जी ला रही हूँ आपका बैग, हटो नालायक। ये मैंने तुम्हें कौन सा पीस यहां रखने के लिए कहा था? रिप्लेस करो इसे। ओह गॉड, इसमें भी उसने प्लांट्स नहीं लगाए, इस माली को मैं तो निकाल दूंगी नौकरी से। हद होती, एक बात समझाई है, बताई है। चल तुमसे भी अभी तक पूल की सफाई नहीं हो चुकी, जल्दी करो। सुबह से कहा हुआ है मजा ले जो कोई काम कर जाए इस घर में, सो एग्जॉस्टिंग। जल्दी जल्दी
इस घर में काम क्यों नहीं हो रहा, सफाई क्यों नहीं होती रोज की रोज? बेगम साहबा, मैं तो रोज सफाई करती हूँ। अच्छा, तो फिर ये हर चीज पे गर्द पड़ी हुई क्यों नजर आ रही है? जरा काम पर ध्यान है, किसी का भी ध्यान नहीं है, सब काम चोर भरे हुए इस घर में। खाना तैयार हो गया? जी शायद। शायद, जाओ जाओ जाके चेक करो, खाना अब तक बन चुका होना चाहिए था, कितनी देर हो चुकी है। ठीक है बेगम साहबा। चले, जो किसी का ध्यान हो काम में भी, हद होती है काम चोरी की भी। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई, इतनी तैयारी, कोई आ रहा है क्या? आप यहाँ क्यों आ गए जाहिद? मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि अपने कमरे में रहा करें, बाहर आने से कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जानता हूँ इस्मत बेगम, अब तुम्हारे लिए मुसीबत ही बन गया हूँ मैं। उफ, एक तो हर बात को नेगेटिव तरीके में लेना तो कोई आपसे सीखे। जिंदगी में कभी कोई चीज पॉजिटिव हुई हो तभी ना। खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कौन आ रहा है? आपको बताया तो था, दानियाल आ रहा है हमारा। अरे मेरा बेटा आ रहा है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। जाहिद आपको बताया था, आप शायद भूल गए हो। भूल मैं नहीं गया, बाकी बातों की तरह शायद ये बात भी तुम मुझे बताना भूल गई। हो सकता है, मैं किसी आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहती, नहीं बताया होगा। बहरहाल आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आप प्लीज अपने कमरे में रहकर बाहर मत निकला करें, कहीं गिर गिरा गए, कोई चोट लग गई तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, और फिर इस वक्त मेरा टेंशन लेने का कोई मूड नहीं है, प्लीज। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अम्मी ऑफिस जा रही हूँ, और कहाँ जाना है मैंने इस वक्त? अरे तुझे बताया तो था कि घर में मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? मेहमान कौन से आ रहे हैं? अच्छा अगर आ भी रहे हैं ना तो मैं क्या करूं? अरे रुको, ऑफिस जा। अम्मी दुआ को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, समझी तुम? और आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में रह के घर के कामों में मेरी मदद करो बस। अम्मा मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अरे बहन से भी ज्यादा जरूरी काम है, कह दिया ना नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी बस। देखिए मैं इस तरह बताए बगैर छुट्टी कर लूंगी तो अगर उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया फिर? अरे तो निकाल दें, भाड़ में जाएं वो लोग, मुझे वैसे ही जवान लड़कियों का घर से निकलना पसंद नहीं है। और तुम्हारे अब्बा को तो न जाने क्या हो गया, तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बनी उनकी आंखों पे, नौकरी की इजाजत दे दी, हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। अम्मा जाने देना इसे। क्यों जाने दो दुआ, तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं, हम उन्हें क्या बताएंगे कि हम अपनी लड़कियों से नौकरियां करवाते हैं, हद हो गई भाई। मना कर दीजिए अम्मा उन लोगों को। क्यों? उन लोगों ने तो पसंद करना नहीं है मुझे, फिर ये सब करने का क्या फायदा, इतना खर्चा हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहती। ऐसा नहीं कहते, इधर आ मेरा बच्चा। जान है तू मेरी, तू प्यारी गुड़िया है मेरी। अरे लोग तो बेवकूफ हैं, ज़ाहरी खूबसूरती देखते हैं, उन्हें क्या पता हो कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। अल्लाह ने चाहा तो इन लोगों को जरूर तो पसंद आएगी, दुल्हन बनेगी मेरी बन्नो रानी। अच्छा तो अब मुझे भी कोई बता दे मैंने क्या करना है। बताती हूँ तुम्हें। अच्छा लाओ ये मैं बना देती हूँ। मैं बैठो, तुम पे सूट नहीं करता इनका। वाह चलो ठीक है मर्जी, मैं फिर जाके तैयार होती हूँ। अरे कहाँ तैयार होती है, अंदर कमरे से संभाल ले चादरे वादरे। ठीक है अम्मा। La 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 la
मेरे बेटे को तो आपकी बेटी मेहरू ही पसंद आई है। दानियाल घर छान मारा है और यहाँ बैठी क्या कर रही है? वो अम्मी मैं ऑफिस में फोन करी थी। क्यों? वो ऑफिस बताना भी तो है ना कि आज मैं नहीं आ रही। हाँ ऑफिस फोन करना तो बहुत जरूरी है। भाई तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो ऑफिस तो बंद हो जाएगा बिल्कुल। अम्मी अरे क्या अम्मा, इसलिए नहीं रोका था तुझे घर में कि 24 घंटे फोन पे लगी रहे, बल्कि इसलिए रोका था कि घर के कामों में दुआ की और मेरी मदद करवाए। लेकिन सुभान अल्लाह फोन पे लगी हुई है। घर के कामों से तो शहजादी को चिढ़ है। अम्मी अब आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपने मुझे बोला ना कि ऑफिस से छुट्टी कर लो, मैंने कर ली, आपकी बात मानी ना। अरे हाँ तूने तो बहुत बड़ा एहसान किया। अरे चल नालायक ना हो तो है, इतना बड़ा एहसान किया तूने मेरे पे। अरे इससे तो अच्छा था कि चली जाती ऑफिस में। अच्छा ना बाबा अब नाराज तो मत हो, मुझे बताएं क्या काम करना है। अरे रहने दे तू बेटा, एक तेरे बाबा है। अरे कुछ चीजें लिख कर दी थी उन्हें कि आती दफा शाम में लेते आइएगा, लेकिन अभी तक नहीं आए और मैं परेशान हो रही हूँ। आप परेशान क्यों हो रही हो, आते ही होंगे ना। अरे कैसे परेशान नहीं हो बेटा, हाँ अरे कितने लोग आ चुके हैं दुआ को देखने के लिए लेकिन अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। अरे मैं तो थक गई खातर मदारत कर करके। अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, जिसने दुआ को पसंद करना होगा ना उसको आपकी खातिर मदारत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अच्छा तेरा क्या मतलब है कि आए गए मेहमानों की खातिर मदारत भी ना करूं? अरे तेरी बड़ी बहन है, उसे जरा समझाया कर कि तेरी तरह सजा संवरा करे हा? और इसी तरह खूबसूरत बन के रहा करे, लेकिन हाँ जुबान इतनी लंबी ना रखे। अम्मा हा? अच्छा ना आप परेशान ना हो, मैं दुआ को समझाऊंगी कि वो भी तैयार हुआ करे। लेकिन आप खुद भी तो सोचे ना, मेरे जैसा स्टाइलिश बनना इतना आसान थोड़ी है। अरे हाँ है ना, चल चल मेरे साथ चल के बर्तन धुला। अरे आ रही हूँ। अरे चाचा आप, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुलवा लिया होता। बेटा काम मेरा अपना था इसलिए मुझे ही आना पड़ा। अरे चाचा कैसी बातें कह रहे हैं आप, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जी सर कल की बात लगती है असद बेटा, मैं यहाँ तेरे बाप के साथ बैठकर घंटों गप्पे हाँका करता था, वक्त गुजर गया, तेरा बाप अल्लाह को प्यारा हो गया, मगर अल्लाह तुझे जिंदगी दे, तूने अपने बाप के कारोबार को और इस दुकान को बहुत बढ़ाया है। शुक्रिया चाचा, वैसे अगर आपका हाथ मेरे सर पे ना होता ना तो मैं तो कुछ भी ना कर पाता। अल्लाह है बेटा, सबका ही अल्लाह है। वैसे कोई खास काम था क्या आज? हाँ खास काम ही समझ ले, ये कुछ चीजें चाहिए थी घर के लिए। क्यों चाचा कोई खास मेहमान आ रहे हैं आज क्या? हाँ बेटा तो ये मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तू घर पहुंचा दी। जी ठीक है चाचा, मैं अभी पहुंचा देता हूँ। चल घर पे मेहमान आ रहे हैं, प्लीज तुम जाओ किसी और दिन आ जाओ, ठीक है? ओके बाय। मेहरू तुम्हें समझ नहीं आ रही आज बहुत काम है, मेहमान आ रहे हैं।
ये सामान लाया था मैं। अच्छा सामान? हाँ सामान, चाचा जी आए थे मेरी दुकान पर, बस वही सामान लाया हूँ। तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अब तुम बोलने दोगे तो बोलूंगा ना मैं। अच्छा ठीक है, दे दो मुझे, मैं ले जाऊंगी। हाँ मैं रख देता हूँ, इसी बहाने चाची जी को सलाम भी कर लूंगा। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे, सब बहुत मसरूफ है, तुम्हारा आना जरूरी है क्या? अच्छा वैसे ये बताओ कौन आ रहा है जो इतनी तैयारियां हो रही है? तुमसे मतलब? अच्छा भाई बता देती हूँ, घर पे मेहमान आ रहे हैं रिश्ता देखने के लिए। रिश्ता किसका? भाई एक तो तुम बातें बहुत करते हो, मेरा टाइम जाया कर दिया सारा। जाओ। ये मैं तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। तुम्हें याद था? हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगी, ठीक है अब जाओ। मैं तुमसे पैसे ले सकता हूँ खुदा? अच्छा ठीक है फिर होगी मुलाकात बाद में, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ पे कब से खड़ी हो? अभी आई। कौन था? अब असद था, ये सामान देकर गया है, बाबा ने उसको बोला था। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मैंने असद से कुछ कॉस्मेटिक्स मंगवाई थी। अरे सुधर जाओ, मैं तुम्हें क्या, अगर ये सारी बातें अब्बा को पता चली ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लो भाई जान क्यों लेने लगे भला? अच्छा क्यों नहीं लेंगे, इतनी महंगी महंगी चीजें उससे मंगवाती हो और पैसे भी नहीं देती उसे। मैं तो उसे इतनी दफा कहती हूँ कि पैसे ले ले, लेकिन वो तो मानता ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँ फिर? बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें मैं। भाई अब सामान तो रख दो, ये भी मुझे रखना पड़ेगा। उफ अल्लाह। अजीजन बहन से बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी, जैसी सुनी थी वैसा ही आपको पाया है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। खैर से कितने और बच्चे हैं आपके? जी इकलौता बेटा है मेरा, इसका नाम नासिर है, माशाल्लाह से एमए किया है इसने, बड़ा ही लायक बच्चा है मेरा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा किस सब्जेक्ट में एमए किया है आपने? एमए मैंने, छोड़िए ना भाई साहब, किन बातों में पड़ गए आप भी, पहले लड़की को तो बुला लीजिए, ये बातें तो होती रहेंगी। अब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नाम मेहरू है। बड़ा ही प्यारा नाम है, आओ ना मेरे पास बैठो, आओ आओ ना बेटा। मैं? बहन जी ये मेरी छोटी बेटी है मेहरू निसा, बड़ी बेटी का नाम दुआ है। अच्छा बड़ी बेटी का नाम दुआ है? जी हाँ। मेहरू जाओ बहन को लेके आओ। मैं अभी लेकर आई। आप लीजिए ना कुछ, बेटे खाओ ना। चलो भाई तुम्हारा तो बुलावा आ गया। मुझे नहीं ये सब अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा? ये उन लोगों के सामने जाना, उनकी मर्जी हुई तो पसंद कर लिया, उनकी मर्जी हुई तो पसंद नहीं किया, जैसे कोई बेजान चीज हूं मैं। फल्ला दुआ तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम्हें भी तो पूरा हक है पसंद या नापसंद का। तुम कौन से हक की बात कर रही हो मेरू, मेरे पसंद या नापसंद करने की तब बारी आएगी ना जब वो मुझे पसंद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो तुम्हें पसंद, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करते। अच्छा एक काम करें, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, अब अगर तुम इस हुलिये में जाओगी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। क्यों क्या बुराई है इस हुलिये में? देखो दुआ सादगी अच्छी चीज है, लेकिन सादगी को चाहने वाली नजर भी तो हो किसी के पास। मेहरू तुम जानती हो मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही जाना चाहती हूँ। हाँ बाबा जानती हूँ मैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मेकअप कर लोगे तो इसमें हर्जी क्या है? तुम आज मेकअप करके तो मुझे बदल दोगी, कल का क्या जब तुम मेरे साथ नहीं होगी, मैं तब क्या करूंगी? अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मेहरू
जिस चीज के लिए मेरा दिल राजी नहीं ना, मैं वो काम करना ही नहीं चाहती। फल्ला बाबा, ओके फाइन, चलो इसी हुलिये में, बाबा और अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब ये क्या? उफ अल्लाह, दुआ में तुम्हारा क्या करूं? आओ। वैसे अल्लाह हमारी इज्जत रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो। बहन जी, ये मेरी बेटी है दुआ। देखिए बहन जी, हमें आपके घर में रिश्ता करने में बहुत खुशी महसूस होगी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बहन जी, मेरे बेटे को तो आपकी बेटी मेहरू ही पसंद आई है, मैं तो उसी को अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगी। देखिए भाई साहब, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, हमें तो आपकी छोटी बेटी ही पसंद आई है। आजकल के लड़के लड़कियों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी मेरे ख्याल में मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, और आजकल के लड़के तो मॉडर्न लड़कियों को ही पसंद करते हैं, क्यों बहन जी? लेकिन बहन जी, हम बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी पहले कैसे कर सकते? तो इसमें हर्ज ही क्या है बहन जी, माशाल्लाह से आपकी दो बेटियां हैं, और बेटियों वालों के लिए फर्ज अदा करना कितना बड़ा बोझ है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दुआ मेरी बात तो सुनो। कुछ भी सुनना। दुआ तुम क्यों रो रही हो इस तरह से? तुम्हें उन लोगों को खरा खरा जवाब देना चाहिए था ना। मैं जानती हूँ कि सब होना है। यार वो लोग क्या समझते हैं अपने आप को? क्या बाजार में कोई खरीदारी करने के लिए आए हैं? जो एक चीज पसंद नहीं आई तो दूसरी उठा के ले गए। मैं अभी बात करती हूँ। रुको, कुछ नहीं कहूंगी किसी से। लेकिन क्यों, क्या हक पहुंचता है उनको इस तरह से तुम्हारा दिल दुखाने का? मेरा दिल और इसके दुख, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। और उन्होंने तुम्हें पसंद करके क्या गलत किया? हाँ, क्या बुराई है इसमें? वैसे भी किसी की पसंद पर किसी का जोर थोड़ी ना। अच्छा, अगर पसंद पर किसी का जोर नहीं है तो नापसंद पर भी तो मजबूर नहीं किया जा सकता, समझे तुम? और अगर मेरी पसंद की बात करें ना, तो मुझे तो एक आंख नहीं भाया वो जो बड़ा अंदर राजकुमार बना बैठा था। वैसे मैं आपकी जगह पे होती ना, तो मेरे दर पे ऐसा रिश्ता आता तो मैं कभी ना ठुकराती। बहन जी, वैसे भी आप जानती हैं किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। आप हमें कुछ वक्त दें, हम कुछ सोच कर बताएंगे। लो, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, और मेरे बेटे जैसा दामाद तो आप चिराग लेकर भी घूमेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, कह देती हूँ मैं आपको। हाँ, उन लोगों ने हम लड़कियों को समझ के क्या रखा है? मतलब जब भी किसी का दिल चाहा वो मुंह उठाकर आया और हमारी फीलिंग से खेलना शुरू कर दे। मैं तो बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। देखो मेहरू, अम्मा अब्बा है ना, वो खुद बात कर लेंगे। क्या बात कर लेंगे अम्मा अब्बा? उनके सामने उन लोगों ने उनकी बेटी की इतनी इंसल्ट की और वो खामोश रहे, चुप करके सुनते रहे, क्यों? इसलिए कि वो बेटियों के माँ बाप हैं। बेटियों के माँ बाप होना इतनी शर्मिंदगी की बात है क्या? तुम किस जमाने की बातें कर रही हो? आजकल के दौर में बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं है। मेरी ये बातें ना सिर्फ अमीर लोगों के मुंह से अच्छी लगती, गरीब घरों में बेटी हमेशा से बोझ थी और हमेशा रहेंगी। तुम्हारा ये फलसफा मेरी समझ से तो बाहर है। हकीकत से नजर चुरा लेने से हकीकत बदल नहीं जाती मेहरू। Stop this nonsense दुआ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अभी बात करती हूँ। मेहरू, मेहरू सुनो। अच्छा, वो चाय कॉफी स्नैक्स सब तैयार है? देखो मेरा दानियाल बहुत सालों के बाद आ रहा है, मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उधर क्या देख रहे हो, मेरी बात सुनो गौर से। कौन? दानियाल, तो तुम कैसे हो? कुल ठीक।
गुड टू सी यू. लाइकवाइज, आओ बैठो. जाओ जल्दी से दानियाल साहब के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ. आई एम गुड, भूख नहीं लगी. और बताओ कैसे हो तुम? कितने कमजोर होके आए हो तुम. आई सो न्यू कि आप ये कहेंगे. क्या करूं, माँ हूं ना तुम्हारी. आई सो मच मिस यू. इस्मत, बस बस बहन जी, बड़ी इज्जत करवा दी आपने हमारी. ऐसी लड़कियों को ब्याहने के लिए आएगा कौन? इस्मत कहाँ हो तुम? डैडी की आवाज़ है. कैसी तबीयत है इनकी? बेटा तबीयत कैसी होनी है, वैसी जैसे तुम छोड़ के गए थे, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ और चिड़चिड़े होते चले जा रहे. आपने डॉक्टर को नहीं चेक कराया? दिखा रहे हैं, मेडिसिन्स भी दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जब तक इनके अंदर विल पावर नहीं होगी ये नहीं ठीक हो सकते. लेकिन मामा, आई रिमेम्बर डॉक्टर ने कहा था कि फिजियोथेरेपी से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. हाँ हाँ, करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तुम खुद बताओ, वो अगर खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, वो विल पावर नहीं होगी इनके अंदर, तो कैसे ठीक होंगे? अच्छा छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गए हो, इतना लंबा सफ़र करके आए हो, थक गए होगे, जा जाके फ्रेश हो जाओ. बल्कि ऐसे करो, थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाके रेस्ट कर लो. मैं डैडी से मिल लूँ पहले, फिर लुबना से भी मिलने जाना. As you wish. So glad to be back, mama. अब आपकी खामोशी को क्या समझे? मेरे ख्याल में तो खामोशी का मतलब हाँ ही होता है. बहन जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो. अब इस खुशी के मौके पर लेन देन की बात भी तय कर लेते हैं. लेन देन? मैं कुछ समझा नहीं. मेरा मतलब है भाई साहब, जो आप अपनी बेटी को देंगे उसके बारे में बातचीत कर ले. बेटा मेरी जान, इधर आओ, मेरे पास बैठो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ. आप मेरी कुछ नहीं लगती. क्या कह रही हो बेटा? भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना. भाई साहब ये बच्ची क्या बात कर रही है? आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? आप जैसे लालची और घटिया लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना. दिमाग तो तुम्हारा सही है लड़की, मेरे बेटे जैसा खूबसूरत और खूबसूरत लड़का तुम्हें कहीं मिलेगा? तुम नाशुक्री कर रही हो. बहन जी आप नाराज ना हो, मैं समझाती हूँ इसे. मेरू खामोश रहो. अम्मी मुझे कुछ नहीं समझना, ऐसा खूबसूरत और खूबसूरत लड़का मुझे नहीं चाहिए जिसे अपने माँ बाप की मजबूरियों को बेचकर खरीदना पड़े. तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे पहले ही पता चल गया, बाद में पता चलता तो पता नहीं क्या करती ये लड़की. तो अच्छा किया ना कि मुझे अपनी बहू नहीं बनाया, वरना कल को आपके जल के मरने की खबर अखबार में छपती. क्या बकवास कर रही हो तुम, चुप कर जाओ. चलो बेटा चलो, हमें नहीं इस घर में शादी करनी. जाओ जाओ जाओ, दोबारा इस घर का रुख मत करना. चलो क्या खड़े हो यहाँ पर भूत बन के, चलो निकलो इधर से. अरे रुकिए बहन जी, ये तो बच्ची है, पागल है ये. बस बस बहन जी, बड़ी इज्जत करवा दी आपने हमारी, ऐसी लड़कियों को ब्याहने के लिए आएगा कौन? चलो बेटा यहाँ से. जाए जाए, हम भी आपके लिए मरे नहीं जा रहे, अपना खूबसूरत और खूबसूरत बेटा संभाल के रखे अपने पास. मेरो खामोश रहो. मेरू 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 रुक, क्या किया ये तूने? कुछ गलत नहीं किया मैंने. अरे जरा भी शर्म लिहाज नहीं है तुझमें, हैं? अरे ये सब कुछ सिखाया मैंने तुझे नालायक. अम्मा चाहती क्या है आप कि मैं उन घटिया और लालची लोगों से रिश्ता जोड़ लूं? अरे क्या बुराई है उन लोगों में? फल्लो, आपको उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई?
अपनी बकवास बंद कर, समझी तू? तू कौन होती है फैसला करने वाली? अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं। इसी बात का तो दुख है कि मुझे अपने हक के लिए खुद आवाज उठाना पड़ी है। मेरे माँ बाप मुझे ही पता नहीं किस तरह अंधी खाई में धकेलने को तैयार हो गए। रिश्ता दुआ का आया था, लेकिन उन लोगों ने मेहरू को पसंद कर लिया। ये किधर गए? मेहरू, किसी